अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटिस्ट के हवाले से प्रोटिस्ट की डाइवर्सिफिकेशन या प्रोटिस्ट की डाइवर्सी या किंगडम प्रोटिस्टा की या प्रोटोस्टिस्टा की हमने डाइवर्सिफिकेशन स्टडी करनी है। तो जो प्रोटिस्ट हैं इनकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बताई जाती है जी एवोल्यूशन की वजह से। ये बहुत इवॉल्व्ड यूकैरियोटिक सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो टर्म एवोल्यूशन है क्या? डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा एंड डाइवर्सिटी ड्यू टू एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन की वजह से ये डाइवर्सिटी आई है। तो चेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद टाइम, चेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद टाइम, वक्त के साथ जानदार के अंदर तब्दीलियां रूनमा होना क्या कहलाता है जी एवोल्यूशन। तो वक्त गुजरने के साथ मतलब प्रोक्रियोट से ये यूक्रियोट बने हैं और ये सिंपल यूक्रियोट से आप कंप्लेक्स भी मौजूद हैं, तो ये दैट इज एवोल्यूशन इन प्रोटिस्टा। आगे डाइवर्सिटी इन करेक्टर, वो कौन से करेक्टर हैं जिनके अंदर डाइवर्सिटी आ चुकी है? तो ये करेक्टर्स हैं जी साइज एंड स्ट्रक्चर, इनके साइज में और जिसामत में एंड स्ट्रक्चर शक्ल में तब्दीलियां हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। उसके बाद मीन्स ऑफ लोकोमोशन, मतलब इनके मूवमेंट जो हरकत है, ये मुख्य कुछ फ्लैजेला से मूव कर रहे हैं, कुछ पानी में मूव कर रहे हैं, कुछ टेंटिकल से मूव कर रहे हैं, कुछ लेग्स से मूव कर, मतलब ये मुख्तलिफ इनके तरीकाकार हैं लोकोमोशन के। उसके बाद ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, कुछ मतलब कीचड़ से पानी ले रहे हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं, कुछ माइक्रो को, कुछ दूसरे जानदारों को ईट कर रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिएंट्स। फिर इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिजम्स, तो ये मुख्तलिफ जानदारों से अपनी इंटरेक्शन या वाबस्तगी कायम करते हैं। उसके पहले हैबिटाट, तो इनका हैबिटाट एक ही नहीं है, एक ही जगह पे ये नहीं रहते, इनके हैबिटाट में डाइवर्सिटी पाई जाती है। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ जो इनकी स्पीशीज है उनके अंदर सेक्सुअल, किसी के अंदर सेक्सुअल, किसी के अंदर मतलब मिक्सअप है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी तो है इन करेक्टर्स में, ये जो करेक्टर्स हैं ये डाइवर्स हैं प्रोटिस्ट में। उसके बाद है प्रोटिस्ट एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, प्रोटिस्ट एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, मतलब पॉलीफाइलेटिक क्या चीज है, ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जानदार के एक से ज्यादा इंसेस्टर्स हों, मोर देन वन, और ज्यादा जितने मर्जी हों, 10 हों, 12 हों, 5 हों, 6 हों, तो ये है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल इंसेस्टर्स। तो बायोलॉजिस्ट का मानना ये है कि प्रोटिस्ट है इनके मल्टीपल इंसेस्टर्स हैं, एक से ज्यादा इनके अबाव इजदाद हैं या इंसेस्टर्स हैं। तो मार्गुलस एंड शिवार्ट्स, ये जो बायोलॉजिस्ट थे जर्मन, इन्होंने तकरीबन 27 फाइला बनाई प्रोटिस्ट की ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। 27 फाइला बनाई है जी मार्गुलस एंड शिवार्ट्स ने ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।